हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। और पहला ब्लॉग ही मेरा, तो मैं वैसे तो जहाज पे काम करता हूँ और ये जहाज बस बर्थिंग करता है। और ये आज ये जो जहाज देख रहे हो आप लोग, ये आज हुआ काम इसका। और वैसे तो यहाँ का मौसम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा फेस थोड़ा सा डल हो गया है, मेहनत इतना करता है ना, मेहनत क्या बोला जाए, मेहनत बहुत करता हूँ ना मैं। आज सोच रहा हूँ शाम में जाऊँ, थोड़ा बाल बाल कटा के आऊँ, देखता हूँ फारूक को बोलता हूँ जाता है कि क्या बोलता हूँ। देख फारूक आज चलेगा बाल कटाने के लिए? चल ले भाई, ऐसा क्यों कर रहा? इसको मैंने कहा है कि शाम में चलेगा मेरे साथ बाल कटाने के लिए, और रेस्ट करने का थोड़ा टाइम है, तो फिर चाय पी करके निकलेंगे अपन। 3 बजे से चाय पियेंगे, उस पर 4 बजे जैसे निकलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, आपको दिखाएंगे कारोबार कैसा होता है। भाई मैं तो रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, बट मेरा एक फ्रेंड है अभी तक नहा ही रहा यार, कितना नहाता पता ही नहीं। और थोड़ा जाके बाल कटा के थोड़ा दाढ़ी उड़ी सेट कराना है बढ़िया से, एकदम थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना ब्लॉग में। पहला बार बाइक ब्लॉगिंग कर रहे यार, सही लगना चाहिए ना। ठीक है, मिलते आपसे रास्ते में थोड़ी देर में। बस अपन निकल चुके हैं रास्ते की ओर, धूप इधर से है, इस वजह से ऐसा वीडियो सही से आ नहीं पा रहा है। और थोड़ा ये मेरा लड़का, बंगाली लड़का, और अपन पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे से टेम्पू पकड़ेंगे। क्या कह रहे, बहुत दिक्कत है वो जहाज अपना छोड़ते हुए और अपन चलते हुए। और ये जहाज लगा है आज अनबर्थिंग के लिए, सामान अनलोड हो रहा है इसमें, चलते आपको दिखाते हैं। मैं भी देखेगा ये जहाज, ये अपन पैदल 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 चल रहे हैं। बहुत दूर है, बहुत दूर है, इतना दूर है, चलना पड़ेगा अपन को। भाई यार चल चल के तो हालत खराब सा हो गया है, और ऊपर से गर्मी तो ही क्या ही बोला जाए। और ये मेरा बंगाली दादा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि किस खाली आमी तो वहाँ के भालो बाछी चाहिए होता है, और कुछ नहीं। लड़का सोच रहा है घड़ी उड़ी पहन के थोड़ा स्मार्ट लग रहा, ठीक है, थोड़ा चश्मा बड़ा हो गया, शक्ल से जाता तो क्या कर सकते हैं भाई, बाल कटा के आएंगे उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा धूप भी ऐसा अजीब कर रखा है, वीडियो सही से नहीं आ रहा, आई नो, क्या किया जा सकता है, कोई ना। और ये हमारा पोर्ट है, थोड़ा अजीब सा है पोर्ट ये। फाइनली बाहर पहुंच चुके हैं, ये खारवाड़ पोर्ट है हमारे पीछे, और यहाँ से टेम्पू मिलेगा। टेम्पू का इंतज़ार तो करना ही होगा अपने को, बिना इंतजार करते हैं। धूप उल्टा साइड से, इस वजह से फाइनली अभी देखो टेम्पो मिल चुका है, और ये मेहनत करने के बाद टेम्पो हमारे एक जगह जब बाहर बैठे मुझे और ये दिल बहुत खुश होता है। थोड़ा सा गिर रहे हैं, खराब है क्या
चले जा रहे हैं। सही है, थोड़ा मौसम अच्छा है यहाँ का, कोई दिक्कत का बात तो है नहीं। ये मेरा दोस्त लगा हुआ है अपनी वाइफ के साथ, इंगेजमेंट हो गया लड़का का, शादी है 2 महीने बाद, कोई दिक्कत ना है, करे शादी फिर बर्बादी। शादी यार, सही बात बोले, शादी के बाद बर्बादी। चश्मा थोड़ा टेढ़ा हो गया लग रहा है सब मेरे को, कोई ना, ठीक है, क्या दिक्कत है। पैदल बोलता पैदल चलने को क्या किया जाए, सुनना तो पड़ेगा ना, साथे तो आदमी है, बेटा जो है मेरा, सीधे सुनना पड़ेगा। भाई अभी जस्ट बोलता है कि बीच पे जाने के लिए, तो बगल में ही बीच है, ज़्यादा दूर ना, तो इसीलिए बोलते हैं पैदल चलो, अदरवाइज पैदल चलने का तो मजे लगता नहीं है। इसका भी तो बात सुनना पड़ेगा, साधु सुधार में टिक गया जहाँ से, तो फिर दिक्कत आ रहा है। बीच ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो बगल में ही आपको दिखाते हैं फिर इधर। और बड़े ही चलने के बाद अपन बीच पे आ चुके हैं। बीच पे तो ऐसा कुछ है नहीं, भीड़ बस, हम तो पागल जैसा दिख रहे हैं। वो किधर हो भाई, गाली नहीं, कॉल ब्लॉक चल रहा है, ये बहुत गाली देता है, क्या इग्नोर, गाली को इग्नोर थोड़ा किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ऐसे बीच तो बहुत ही मस्त है, चलिए आपको दिखाता हूँ कारवार का बीच। ये बीच, ये छोटे छोटे नाव लगे हुए हैं, और ये डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लगता है, और ये हमारे कदम बीच में पड़ गया। बीच तो है, सही है, थोड़ा सा भीड़ भी है बीच में, कोई दिक्कत, लेकिन बहुत दूर चलना पड़ेगा अपने को, चलते चलते ये कितना चलाएगा पता नहीं। अरे भाई कितना चलाएगा, बहुत घूमने का इसको जोश है, बहुत जोश है, काम बोल दो तो नहीं होगा, आज से सोएगा, लेकिन घूमने का जोश देख लो लड़का को, अगला को देख लो जोश, कितना ज्यादा जोश है। ये बीच का व्यू सुंदर सुंदर, सुंदर भी तो नहीं है इतना बोलता है भाई, फिर भी मैनेज किया जा सकता है, दिक्कत ना। इसको बोल रहे हैं चलते हैं, तो भाई साहब अपने होने वाली वाइफ के साथ लगा पड़ा है, उसको दिखा रहा है बीच, दिखा रहा है, रहता कोलकाता में है, सब चीज़ें वहाँ, फिर भी ऐसे कर रहा है, आगे लगा दे भाई, बस कर दे, पानी कम हो जाएगा, कितना दिखाएगा ए, पानी कम हो जाएगा वे, शाम भी हो गया, सूरज भी डूब गया, लेकिन मौसम सही है यहाँ का, कोई इशू ना है, बढ़िया है। अपन फाइनली निकल गए बीच से, बहुत ही फोटो शूट हुआ, सर को भेजना था अपनी मैडम को, हड़बड़ा गया था बेचारा भेजने के लिए, तो मैंने भेज दिया, वैसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा मैं फोटोज़, और फेसबुक में तो करना ही है भाई, थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना कि बीच पे आके घूम रहे हैं, ऐसे कैसे थोड़ी ना होता है। हाँ तो आईफोन में बिजी रहता है, इससे बढ़िया अकेले हम आ जाते हैं, वो ठीक रहता, लेकिन फोटो कौन खींचता मेरा भाई, अपना बेचारा धंस जा रहा चलते चलते, शरीर का वेट ही इतना है, क्या बोला जाएगा इसको। हाँ क्या रे, हाँ भाई मोटा कहेगा, अब यहाँ पे टेम्पो का वेट करो, बहुत मजा आता है। फुटबॉल दिखा, फुट इंटरनेशनल चल रहा फीफा का, कोई नहीं इसको फुटबॉल खेलना है, अभी जहाज पे जाके खेलवाएंगे फुटबॉल इसको बढ़िया से। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर रास्ते में। बताओ भाई, एक ऑटो वाला भी मिला था, वो भी देख
सोच रहा नया है कौन सा पुल देखना था ना अगला को देख लिया बीच पैदल चलवा रहा है बढ़िया ठीक है भाई अपना चलना तो पड़ेगा ना भाई के लिए ठीक है चलिए भाई साहब क्या बोला जाए एक घंटा से चलवाए जा रहा ऑटो मिलने का नाम ही नहीं है इसका तो भाई इसको बीच घूमना था घूम लिया मजे से यहाँ मेरा पैर का हालत थोड़ा सा खराब हो रहा है लेकिन कोई नहीं भाई के लिए सब ठीक है कोई बात नहीं है और 10 मिनट का रास्ता है चल चल के लग गया अभी जस्ट पहुंच गया जांच पे तो फिर करते हैं वीडियो यहीं पे एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सपोर्ट अगर हो सके तो थैंक यू